हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए, टॉपिक है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है और आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आपका वेल विशर हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है और आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। शुरू करने से पहले गाइस मैं बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आप देखिए, आपको हेल्प मिल सकती है यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन आपके बारे में सोच रहा है और आने की कोशिश कर रहा है आपके पास? हाई प्रिस्टेस, डेविल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड, ओके मैजिशियन एंड वी हैव जजमेंट। पेज ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक से। यहां पर मुझे दो मैसेजेस मिल रहे हैं वैसे तो, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक ही ग्रुप के बारे में बताऊं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यस गाइस, देखिए ये जो पर्सन है ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ऐसा हो सकता है कि आपने इसके साथ टोटली ब्रेकअप कर लिया और इसको छोड़ दिया है आपने, लेकिन ये अब आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखिए कुछ के केस में ऐसा हो सकता है कि इसने खुद को हील किया है। ठीक है, और हील करने के बाद इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, तो अब इसको लगता है कि आप सही हैं और ये गलत हैं, इसीलिए हो सकता है कि ये आपके पास आ रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, इसको बहुत अकेला फील हो रहा है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है आप इस पर्सन को चांस नहीं दोगे, क्योंकि आपको इसके साथ एक कार्मिक कनेक्शन फील हुआ था और आपको लग रहा था, मतलब आपको ऐसा लगा है इसके साथ डील करके कि ये पर्सन वो राइट पर्सन नहीं है जिसके लिए आप सोच रहे हो। ठीक है, तो एक तो ये मुझे लग रहा है कि आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं ये वाले पर्सन, लेकिन कुछ के केस में मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोग सिंगल दिख रहे हैं। तो गाइज, आपके लिए सच में कोई एक नया पार्टनर है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो आपके लिए हो सकता है कि डिवाइन ने डिसाइड किया है कि अब आप दोनों को मिलना है। ये एक न्यू लव हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये पर्सन लगातार सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसा हो सकता है कि ये आपको या तो ऑफिस में मिले या फिर आप फ्रेंड सर्कल में मिले। ठीक है, ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिलने वाले हैं, या आपके किसी नोन के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा भी आप फील करोगे। तो मुझे लगता है कि जो ये रीडिंग है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कार्मिक के साथ डील कर रहे थे एंड देन ब्रेकअप कर लिया है, और अब एक नया पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस नए के साथ साथ ये भी आने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करेगा कि आप किसको चांस देंगे, किसको आप एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एडिक्शंस हैं, और ये कभी तो आपके फेवर में बात करते थे, कभी नहीं करते थे, तो आपको कभी वो फुल रिस्पेक्ट भी नहीं दी इस पर्सन ने जो आप चाहते थे कि आपको मिले। ठीक है, तो आपको इसके साथ कभी भी कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील नहीं हुआ है, लेकिन अब आपके इंट्यूशन बोलते हैं कि आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आने वाला है। ठीक है गाइस, ये केस उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो मैरिड हैं। ठीक है, आपने इस पर्सन से डिवोर्स लिया है या आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके पीछे पड़ जाएं या आए, या फिर आपको डिवोर्स ना दें, इसके भी चांसेस हो सकते हैं।
लेकिन जो भी है नया पार्टनर आपको, मुझे लग रहा है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत ही एक सेंसिबल पर्सन आने के चांसेस हैं जो आपको सच में रिस्पेक्ट भी देंगे और आपको लाइफ में सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, एडवाइस देंगे आपको अच्छी, और आपको इसके साथ इसकी कंपनी आपको अच्छी लगेगी, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर डिवोर्स केस भी मुझे यहाँ दिख रहा है, और कुछ के लिए डेफिनेटली आपने किसी एक्स को छोड़ा है, मतलब अपने जो भी आपका एक्स था उसका ब्रेकअप कर लिया है और आप सिंगल हैं इस टाइम, और आप चाह और आपकी लाइफ में आप अब आप एक पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने खुद को हील करा है, खुद को एक बेटर पोजिशन पर लेकर आए हो और काफ़ी मैनिफेस्ट किया है आपने लाइफ में। तो आपके लिए हो सकता है कि जजमेंट अब आ रहा है, ठीक है, जजमेंट आने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक नया नया पार्टनर अपने लिए, और ये डिवाइन के यू नो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ये चीज़ हो सकती है। और देख लेते हैं हमें और क्या पता चलेगा, क्या और होने वाला है आगे। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और ये सोलमेट हो सकते हैं आपके, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखो ये आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, इससे आपको अप्रिशिएशन मिलेगा एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस अबंडेंस मिलेगी गाइस, इस कनेक्शन में अबंडेंस होगा। और ये पर्सन सच में बहुत सेंसिबल हैं, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। एडिसन पॉसिबिलिटीज एंड आर्के एंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं आप पर, आपकी लाइफ में आप सब कुछ यू नो क्लियर होगा इस पर्सन के आने से। और मुझे लगता है जो इतने सारे डोर यहाँ खुले हैं ना, यानी कि हर चारों तरफ से आपके लिए अबंडेंस आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और डोर टू स्पिरिट, आपने काफ़ी एफर्मेशंस बोले हैं, काफ़ी प्रेयर करी है कि आपकी लाइफ में एक राइट यू नो पार्टनर आ जाए, तो मुझे लगता है कि डिवाइन ने वो चीज़ें एक्सेप्ट की हैं आपके लिए। तो आपकी जर्नी में आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को, अट्रैक्ट कर रहे हो, अटैचमेंट होगी आपको इस पर्सन के साथ और उस पर्सन को आपसे अटैचमेंट होगी गाइस। ये आपको आपके यू नो करियर में सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, आपको एडवाइस देंगे जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और देखो सन कार्ड 2 टाइम्स आ गया है अब यहाँ पर, यस गाइस, सन कार्ड 2 टाइम्स आने का मतलब है कि यस ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस 100% आएगी आपके पास जैसे ही आप दोनों मिलेंगे इस लाइफ में, ठीक है। और आप दोनों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी एक दूसरे से, ये क्लियर है यहाँ पर। सन कार्ड 2 टाइम आने का मतलब है, और बहुत ये रीडिंग बहुत यूनिक हो गई है बिकॉज सेम कार्ड हमारे पास, वो भी इतना मेजर कार्ड यू नो सेम आ गया है। और यस गाइस पॉसिबिलिटीज हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। आप अब एक जगह या एक पॉइंट पर रुके नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, बहुत पेशेंस आपने रखा है, तो मुझे लगता है कि आपको आपका रिजल्ट मिलने वाला है, जजमेंट मिलने वाली है, ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एनीथिंग एल्स जो हमें पता चले तो और देख लेते हैं हम, फिर मैं आपके लिए एडवाइस लूंगी। या एस ऑफ वॉन्ट्स, देखो गाइस न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, आप न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। या नाइट ऑफ वॉन्ट्स, लगता है ये पर्सन बहुत स्पीड में आ रहे हैं आपके पास, जल्दी ही आ रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, इसके आने से बिल्कुल आपकी खुशियां आपको मिलेगी, ये कार्ड आ रहा है। टू ऑफ व्हील्स, काफी वेट किया आपने, काफी पेशेंस रखा है, नाउ अब आपको रिवॉर्ड बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको सब कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी, जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में है इस पर्सन के आने से, और काफ़ी हद तक जो आप एक पेन और बर्डन जो आप देखो यहाँ से ना, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपका सोलमेट हो सकता है। वाओ, टू ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस, ये जो पर्सन आ रहा है ये आपका सोलमेट है, जो कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं और आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी वाइब्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और सोल कनेक्शन निकल कर आया है यहाँ पर, यस। तो आपका पेशेंस का रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। और देख लेते हैं, आप बिल्कुल नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए जितना हो सके, और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, आज से एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दें। अ पर्सनल इश्यू रीचेस
सॉल्यूशन डेफिनेटली आपके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे, हो सकता है जुलाई तक खत्म हो जाए। यू आर गुड इनफ, आप बिल्कुल गुड इनफ हैं, आप अपने आपको ब्लेम ना दें किसी भी चीज के लिए, एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये एक मिरेकल होगा आपके लिए, एक पावरफुल चेंज होगा, ठीक है। और मुझे जुलाई एंड तक ये होता हुआ दिख भी रहा है, ये पावरफुल चेंज आते हुए दिख रहा है, आपके पर्सन आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। और आपका यू नो ये किसी नॉन पर्सन के थ्रू ही आपको मिलेंगे, हो सकता है ऑफिस में, हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू, लेकिन यस ऑनलाइन तो नहीं लग रहा है मुझको कि ऑनलाइन मिलेंगे ये पर्सन, लेकिन यस आपको आपके पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा, और इस पर्सन के आने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी लाइफ में। एक बार यहाँ से देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या कहेंगे और क्या बताएंगे। यस ओके गाइस, कुटुंबी का कार्ड है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो, आपको पता है, आपको पता है गाइस, जो पास्ट से जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, आपको पता है अच्छे से। तो यू कैन यू नो आप इजीली अपना डिसीजन ले सकते हो, बिकॉज यू नो जिसके आंसर्स आप ढूंढ रहे हो आपको पहले से ही पता है वो चीज़ें। ओके तो ट्रस्ट कीजिए खुद पर और खुद की इनर वॉइस पर, एंड देन आप अपना डिसीजन लेना। ओके सो गाइस, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।